नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मुझे सालों से पिंपल्स की समस्या है और ये पिंपल्स की समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो कोई एक दवा बताएं, सिर्फ एक दवा बताएं जिसको यूज़ करने से मेरी पिंपल्स की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाए और इस प्रॉब्लम से मुझे निजात मिले, मैं छुटकारा चाहता हूँ, मुझे पिंपल्स बहुत दिनों से हैं, तो कोई एक दवा बताएं। ऐसा मैसेज मुझे हमेशा आता है, तो आज मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिसको यूज़ करने से आपके पिंपल्स की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और पूरा वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको पिंपल्स की समस्या है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है हर दिन की तरह कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है और एक गुजारिश आप सबसे हमेशा रहती है कि मैसेज सेक्शन में यूट्यूब में कई बार फेक अकाउंट से जहाँ पर मेरा फोटो लगा रहता है, नाम लिखा रहता है और उसके आगे कुछ नंबर भी लिखा रहता है, नीचे से बोल देते हैं कि इस नंबर पर संपर्क करें, इस नंबर पर डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे, इस नंबर पर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा या इस नंबर पर होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाएगी। ऐसा कोई भी मैसेज आप देखें या ऐसा कोई भी आईडी आप देखें तो वो फेक है, आप बिल्कुल भी संपर्क ना करें। मैं किसी को भी इस तरह के मैसेज बिल्कुल नहीं भेजता हूँ, ना ही किसी भी अकाउंट में, चाहे यूट्यूब में, हालांकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और कहीं मैं एक्टिव हूँ ही नहीं, तो वहाँ पर मैसेज आया तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि वो मैं नहीं हूँ और यूट्यूब में आया तब भी बिल्कुल समझ लीजिएगा कि वो मैं नहीं हूँ। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पिंपल्स की समस्या, चाहे वो एक्ने रोजिया की प्रॉब्लम हो या वो सिंपल एक्ने की प्रॉब्लम हो, आपको पिंपल्स की समस्या हो, ब्लैक हेड्स की समस्या हो या वाइट हेड्स की समस्या हो, अगर आपको एक्ने की समस्या होती है, अगर आपका चेहरा खराब होते जा रहा है, अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके पिंपल्स से काफ़ी मावाद निकलता है या अगर आपके पिंपल्स काले पड़ते जा रहे हैं और दाग और धब्बे बहुत ज़्यादा छोड़ते जा रहे हैं जिससे आपका चेहरा ख़राब हो रहा है और आपको टेंशन हो रही है, तो आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, आर्सेनिकम ब्रोमेटम। दोस्तों, आर्स ब्रोम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पिंपल्स के लिए, चाहे वो एक्ने रोजिया की प्रॉब्लम हो या सिंपल पिंपल्स की प्रॉब्लम हो या वाइट हेड और ब्लैक हेड की प्रॉब्लम हो। इसे यूज़ करने से आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, ये एज अ ब्लड प्योरीफायर भी बहुत अच्छा असर करती है। इसे यूज़ करने से पिंपल्स आपके अंदर से ठीक होते हैं, बाहर से इसे नहीं लगाना है, इसे पीना है तो पिंपल्स अंदर से ठीक होते हैं और हमेशा के लिए ठीक होते हैं। ये वीडियो एक्चुअली मैं शायद मैंने एक बार और बनाया हुआ है और काफ़ी सारे पेशेंट को मैंने ये मेडिसिन दी है। इसका एक पिक्यूलियर जो है, एक पर्टिकुलर पोटेंसी में ही यूज़ करने का तरीका है। अगर आप उस पोटेंसी में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर उस पोटेंसी में आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कैसे यूज़ करनी है और किस पोटेंसी में यूज़ करनी है। और मुझसे ये बिल्कुल सवाल मत करिएगा कि सर 30 में ले लूँ, मेरे पास आर्स ब्रोम मदर टिंचर में, तो क्या मैं मदर टिंचर में ले लूँ? सिर्फ एक पोटेंसी बताऊँगा, एक तरीका बताऊँगा, बस उसी तरीके से यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट को ये मेडिसिन दे के देख चुका हूँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पोटेंसी में इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ये मेडिसिन आपके पिंपल्स को ठीक कर देगी, समय ज़्यादा या कम लग सकता है, किसी पेशेंट को 15 दिन में पूरी तरीके से आराम लग जाता है और किसी पेशेंट को लगभग 3 से 3.5-4 महीने में पूरा आराम लगता है, डिपेंडिंग कि आपको कब से ये समस्या है, आपकी एज क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और साथ ही साथ आप परहेज करते हैं कि नहीं करते, इस पर भी डिपेंड करता है। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा छोटे छोटे परहेज बताऊंगा, पूरा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आर्स ब्रोम, आप इसे लेते हैं तो ब्लड प्योरीफायर होता है, पिंपल्स ठीक होते हैं, ये आपके पिंपल्स को जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। हालांकि अगर एक मेडिसिन बर्बेरी सेक्कोफोलियम मदर टिंचर
लगाएंगे आप 20 बूंद गुलाब जल के साथ मिला के आप दिन में 2-3 बार लगाएं तो पिंपल्स अंदर से आसब्रूम से ठीक हो जाएगा, लेकिन बाहर से जो चेहरा आपका ख़राब हो गया है, कालापन है, उसे बर्बेरिस एक्वाफोलियम ठीक कर देगी। तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर 20 बूंद गुलाब जल के साथ मिला के सुबह शाम ज़रूर लगाइएगा, या सिंपली आप टॉपी बर्बेरिस क्रीम भी सुबह शाम लगा सकते हैं। अब चलते हैं आर्स ब्रोम की तरफ। तो आर्स ब्रोम आपको सिर्फ और सिर्फ 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है, या आर्स ब्रोम आप 6 पोटेंसी में यूज़ करें, ये डाइल्यूशन में यूज़ करें, ट्राइचुरेशन टैबलेट में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, डाइल्यूशन में ही यूज़ करना है। तो आर्स ब्रोम आप 6CH पोटेंसी में लेके आइएगा। मैं अभी ऑनलाइन चेक कर रहा था, 1mg.com में भी आर्स ब्रोम है, उसकी पिक्चर मैं 6CH में उसकी पिक्चर मैं आपको लगा देता हूँ, और बहुत सारी वेबसाइट में आर्स ब्रोम 6CH में मिल रही है। तो अगर आपको ऑनलाइन यानी ऑफलाइन पहले आप अपने आसपास देख लीजिएगा, होम्योपैथिक शॉप में मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगाइएगा 6CH पोटेंसी में। आर्स ब्रोम आपको 6CH पोटेंसी में 2 बूंद खाली पेट सुबह सुबह जैसे ही आप उठें बिना ब्रश किए 2 बूंद से पिए, और उसके बाद फिर आप जो आपको करना है, ब्रश करना है, 10 मिनट बाद खाना खाना है, नाश्ता करना है, सब कुछ करिए, और शाम को लगभग 5-6 बजे जब आप कुछ नहीं खाते, दोपहर का खाना खा लेते हैं, उसके बाद शाम को मोस्टली कुछ नहीं खाते, चाय वगैरह पीते हो तो ठीक है, तो जब आप खाली पेट रहें शाम को, तो फिर आपको आर्स ब्रोम 6CH में 2 बूंद ज़रूर पीना है। तो कैसे पीना है? 2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको डालना है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप ज़रूर 2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट और 2 बूंद शाम को जब आपका पेट खाली रहता है तो यूज़ करें सुबह शाम, बस इतना ही करना है। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लीजिए, आपको 15 दिन में आराम दिखना चालू हो जाता है, जिनको आराम लगता है उनको 15 दिन में आराम दिखना चालू हो जाता है, पिंपल्स थोड़े रूखे हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं नीचे, कुछ लोगों को तो पूरा ही ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 1-2 पिंपल्स ठीक होते हैं। तो अगर वो ठीक हो रहा है तो फिर ये मेडिसिन आप कंटिन्यू रखें, बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसे मदर टिंचर में नहीं यूज़ करना है, इसे अभी फ़िलहाल 6CH में ही यूज़ करना है, मैं एक्सपीरियंस के बाद आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। 6CH में बेस्ट रिजल्ट देता है आर्स ब्रोम, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ज़रूर आप पिम्पल्स में 15 दिन लेके देखिएगा, आराम लगे तो इसे कुछ दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करके देखिएगा, अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पिंपल्स के लिए, और साथ में बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर या टॉपी बर्बेरिस क्रीम ज़रूर लगाएं, तो आपके पिंपल्स में आपको आराम लग जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।